हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बस्ती क्लासेस। चलिए आज हम अपने प्रीवियस सेगमेंट जो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें हम कैसे अपनी एरर जो हो गई थी, हमसे गलती से पार्टनर्स ने एरर कर दी थी, उन्हें हमने कैसे रेक्टिफाई किया था एडजस्टमेंट ट्री बना के, ठीक वैसे ही आज हम अपने और क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में थोड़ा सा बताया कि क्वेश्चन नंबर 36 का कंसेप्ट क्या है, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 37, 38, 39 और क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 जो कि हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हम सेपरेट अपने अगले वीडियोज में जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में सेपरेट सेगमेंट इसके हम क्रिएट करेंगे। तो आज हमारा जो सेगमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी बुक के लिए है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए, मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड एली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 हैव एग्जिस्टेड फॉर द सेम ईयर। ये उनका प्रॉफिट है तीनों ही पार्टनर का जो वो अपने बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक। एली वॉन्ट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद हैरी एंड पॉटर एंड ही फ्यूचर विशेज दैट द चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इन टू एग्जिस्टेंस रेट्रोस्पेक्टिवली वेयर द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंसेप्ट हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव वाला है। कल मैंने आपसे अपने वीडियो में कहा कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये आज इस क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर हैरी पॉटर फ्यूचर में तीनों ही पॉटर अपना प्रॉफिट जो है इक्वल करना चाहते हैं, और हमारे पास लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट हैरी एंड पॉटर हैव गारंटीड एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट। तो हमारे पास मतलब प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो 2014, 15, 15, 16 और 16, 17 के प्रॉफिट हमारे पास में 22, 24 एंड 29,000 रिस्पेक्टिवली हमारे पास में पार्टनर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। हमारे पास तीन पार्टनर हैं और तीनों ही पार्टनर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एली जो है वो यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट चाह रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को सुधारने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है। मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है, हमारे पास हैरी पॉटर एली तीन पार्टनर है, तीनों का जो करंट पीएसआर है वो 2:2:1 है। फ्यूचर में पीएसआर जो वो चाहते हैं तीनों ही पार्टनर की 1:3 मींस 1:1:1 मींस 1:3 हो जाए, और हमारे पास कंटिन्यू 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हो गया कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे आज हम करंट ईयर में हैं, वो हमारी डेट है 2016-17 मींस की 29,000 वाले प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर पीएसआर चेंज किया है किसी एक पार्टनर के कहने में, उसका इफेक्ट हम तब से लें जब से हमारा बिजनेस चल रहा है, या हम पिछले कुछ सालों से लें, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के साथ में क्वेश्चन के जो पीएसआर आज हम चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट पिछले 3 साल से हमारे साथ आगे बढ़े। ऐसे केस को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ऐसे केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे पास बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास तीनों ही पार्टनर के 3 साल के कंप्लीट प्रॉफिट दिए हुए हैं, इस प्रॉफिट का सबसे पहले आपको टोटल कर लेना है, और टोटल करने के बाद में जब हम प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे तो प्रॉफिट के टोटल में से आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 75,000 रुपीज हमारे पास टोटल हो रहा है, ये टोटल हमने कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों ही प्रॉफिट को उनके न्यू और ओल्ड पीएसआर जो कि मैंने मेंशन किया है कि उनका करंट पीएसआर जो है मींस उनका जो ओल्ड पीएसआर एग्जिस्टिंग पीएसआर है वो 2:1 है और न्यू पीएसआर 1:1:1 में, तो पहले आपको इस 75,000 रुपीज प्रॉफिट को दोनों ही पीएसआर में यहां पर लिख लेना है और हम उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ओल्ड पीएसआर जो हमारे पास करंट पीएसआर जिसे हम ओल्ड लिख सकते हैं और यहां पर हम इस पीएसआर को न्यू पीएसआर कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ओल्ड और न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन में क्या कितना रिजल्ट आता है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीएसआर प्रॉफिट 30,000 एंड 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास हैरी पॉटर और एली का आ गया है। इसके अलावा अगर हम न्यू पीएसआर में डिवाइड करते हैं 75,000 को, तो आपको पता है 75,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 25,000 और 25,000 रुपीज प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट देता हूँ कि हमारे पास में 3 पार्टनर है, हैरी पॉटर एंड एली। अब अगर आप गौर से देखेंगे
तो यहाँ पर जो पार्टनर्स को प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर मिलना है वो इक्वल मिलना है, 25,000 ईच मिलना है। तो यही हमारा अभी रियल क्रेडिटेड है। रियल क्रेडिट का मतलब होता था जो पार्टनर्स के अकाउंट में एग्जैक्ट वे में ट्रांसफर होने वाला अमाउंट है, वो यही अमाउंट है जिसे हम कहते हैं रियल क्रेडिटेड। ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर हर पार्टनर को 25,000 यहाँ पर प्रॉफिट मिलना है, जबकि पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 30-30-15 हो रहा है। आइए देखते हैं। मैंने आपको एक बात और बताई, जब हम किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, जब किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें डिक्रीज करना होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर अभी नए पीएसआर के अकॉर्डिंग हैरी को 25,000 रुपीस मिलना है, लेकिन अभी तक ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग पिछले 3 साल से हैरी जो है 30,000 रुपीस पर ईयर यहां पर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो है उसका पिछले 3 साल का हमने निकाला है तीनों को प्लस करके, तो एवरेज नहीं टोटल प्रॉफिट का ही पार्ट है ये, तो 30,000 रुपीस पिछले 3 साल में वो ले चुका है। लेकिन इस साल से अगर हम न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसे 25,000 रुपीस ही प्रॉफिट मिलेगा। इट मींस कि हैरी यहां पर 5,000 रुपीस का प्रॉफिट हमसे फर्म से ज्यादा ले चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट। ऐसे केस में मैंने आपसे बताया कि आपको जब किसी पार्टनर से उसके अकाउंट को कम करना होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे और जिसे हमें बढ़ाना होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे केस में जबकि हैरी 25,000 अब पा रहा है, पहले वो 30,000 रुपीज पा रहा था, तो अब से कंपेयर करेंगे कि राइट नाउ कितना वो पा रहा है, तो 25,000 इसका मतलब है कि उससे हम 5,000 रुपीज प्रॉफिट जो वो पिछले बार ले चुका है हम कम करेंगे और हम हैरी को यहाँ पर 5,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो पॉटर है वो भी 25,000 रुपीज अब उसको मिलना है, लेकिन वो पहले 30,000 पे ले चुका है, उससे भी हम 5,000 रुपीज दे देंगे। और अगर आप एली का देखेंगे तो यहाँ पर 15,000 रुपीज प्रॉफिट उसको पहले मिल रहा था, लेकिन अब उससे 25,000 रुपीज मिलना है। इट मींस कि उसके प्रॉफिट को 25,000 करने के लिए दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है 10,000 रुपीज हमें प्लस करना होगा उसके अकाउंट में, तो मतलब उसे क्रेडिट करना होगा। तो हमने 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं और मैं ये डिफरेंस ही है 30-25 का डिफरेंस 5,000, और वैसे ही अगर आप देखेंगे 30-25 का डिफरेंस 5,000। तो मैंने आपसे कहा अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपको एंट्री भी सामने दिख रही है, दोनों ही पार्टनर डेबिट है, साथ में हमने एली को क्रेडिट कर रखा है और एंट्री आपके सामने है। मैं जल्दी से एंट्री बना देता हूँ। एंट्री आप देख रहे हैं हैरी अकाउंट डेबिट, पॉटर अकाउंट डेबिट टू एली अकाउंट। तो हम एंट्री पास कर देते हैं, हैरी कैपिटल डेबिट, पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एली कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 5,000 एंड 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास में आ गया है। और ये क्वेश्चन हमने कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया है, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमारे पास ओल्ड पीएसआर दिया था, नए पीएसआर के अकॉर्डिंग हमें अपने एडजस्टमेंट करने थे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी और वही हमने किया है। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को मैंने कहा पहले आपको सबसे पहले उसे ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर में डिवाइड कर लेना है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीएसआर हमने प्रॉफिट को बांटा तो 30-30-15,000 आ गया है, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हमारा 25,000 आ रहा है। अब आपको डेविएशन निकाल लेना है कि अभी पार्टनर कितना पाएंगे और पहले कितना पा रहे थे। हैरी 25 पा रहा है अब के अकॉर्डिंग और पहले वो 30,000 पा रहा था, तो डिफरेंस अमाउंट हम उससे ले लेंगे क्योंकि वो पहले ज़्यादा पा रहा था, और ले लेंगे मतलब उसे हम डेबिट कर लेंगे। ठीक ऐसे ही पॉटर को भी हम डेबिट कर लेंगे और एली जो कि हमारे पास इस बार 25 उसे मिलना है, अभी तक वो 15,000 रुपीस पा रहा था, हम उसे 10,000 रुपीस देंगे मतलब उसे हम क्रेडिट करेंगे। और जैसे ही आप इस फॉर्मेट में अमाउंट रखते हैं तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाती है, आपकी सहूलियत के लिए एंट्री आपके सामने है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 37। आइए अब क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने बोर्ड में मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके कुछ क्लू बताऊंगा और उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 37। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप ही देखिए मैं भी देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑन 31 मार्च 2016। मैंने कहा ईयर आपके में चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन ईयर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक बैलेंस शीट बनी है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल लिखी है, जबकि एसेट साइड में दोनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग और हमारे पास अदर एसेट दी है। इस क्वेश्चन में अदर एसेट्स का कोई भी रोल नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
इस 5000 रुपीज प्रॉफिट भी आपके लिए काम करनी है, आपको सिर्फ एरर पार्ट को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो। बट अब यहां से आप देखते हैं कि क्वेश्चन में एरर क्या हो गया है, बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज पर पार्टनरशिप डीड, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ गिव द जनरल एंट्री। तो आपने देखा कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं और तीनों ही पार्टनर के वहां पर कैपिटल और तीनों ही पार्टनर के कैपिटल के साथ में वहां पर तीनों ही पार्टनर के दोनों ही पार्टनर के वहां पर ड्राइंग्स दिए हुए हैं और दोनों ही पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल लेना है, फिर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल अकाउंट हमारे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट पार्टनर्स के डेबिट साइड में आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में से डेबिट के अमाउंट को हम माइनस करते हैं। ठीक ऐसा ही आपको करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट में से पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी फिगर हमारे पास में आएगा वो हमारे लिए कहलाएगा रियल क्रेडिटेड। और उसके बाद में क्या करना है आगे ये हम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही पार्टनर हैं मनु और सृष्टि, और हमारे पास दोनों ही पार्टनर मनु और सृष्टि के यहाँ पर कैपिटल लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 38। हमारे पास मनु और सृष्टि दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल है, तो उसका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकाल लेना है। और मैंने आपसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही पार्टनर के 5% के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 रुपीज। उसमें से हमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हमारे लिए रियल क्रेडिट होगा। तो हमारे पास पार्टनर्स की ड्राइंग लिखी है यहाँ पर 4000 रुपीस, और 4000 रुपीस का हमें निकाल देना है 6% और एवरेज बेसिस पे निकालना है, तो हमें 3 मंथ का सिक्स मंथ का निकालना होगा। तो हम निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120, इसे हमें यहाँ से माइनस करना है। और ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपीज़ का हम निकालेंगे तो 60 रुपीज़ हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाएगा ड्राइंग का पार्टनर्स 60 का। तो ये हो गया हमारे पास, ये कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिए। अगर दोनों ही चीज़ें ओमिटेड हो गई हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपको दोनों ही अमाउंट निकाल लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग का, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को माइनस कर देना है, जो बचेगा वो हमारे लिए कहलाएगा रियल क्रेडिट। तो अगर आप 500 में 60 माइनस करते हैं तो 440 आपके पास बच जाएगा, और अगर आप 1500 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपके पास 1380 बच जाएगा। यही वो अमाउंट है जिसे आप कहते हैं रियल क्रेडिटेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यही वो अमाउंट है जो क्रेडिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स में पहले 1500 रुपए उनके बाई साइड में जाते हैं, फिर 122 साइड में जाते हैं तो माइनस होते, तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, तो वो यही अमाउंट है जो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, लेकिन गलती से हमने इनका रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं की है। ऐसे केस में अब इसका मतलब ये हो गया कि 1380 और 440 जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होने, वो क्रेडिट तो हुए हैं लेकिन वो उनके इस परसेंटेज के हिसाब से ना होके उनके एग्रीड जो वहाँ पर पीएसआर है उस पीएसआर में हो गए हैं, और हमें वही पीएसआर के अकॉर्डिंग जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 3:2 दिया है उस रेशियो में बढ़ गया है। क्या करना है आपको, देखिए ये हमारे रियल क्रेडिट है, इसके अलावा आपको इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेना है। तो अगर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जाएगा 1820, और ये 1820 को हमने बांट देना है 3:2 में, तो हमारे पास 1092 और 728 रुपीस के प्रॉफिट जो गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, इन दोनों का प्लस करने के बाद उन्हें एग्रीड पीएसआर में बांट देना है, क्योंकि उसी पीएसआर में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये है हमारा रॉन्गली क्रेडिटेड, मैंने आपसे कहा इसे हम क्या बोलते हैं रॉन्गली, ये हमारे लिए रॉन्गली क्रेडिटेड है। मैंने आपसे कहा इसको डब्ल्यू सी लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मेट आप लोग के लिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम रियल क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, डेबिट और क्रेडिट। नेम आपको पता है हमारे पास में एम और एस है, मनु और सृष्टि है, उनका रियल क्रेडिट अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 1380 और 440 है, जबकि रॉन्गली क्रेडिट 1092 और 728 है। अब आपको करना क्या है, ठीक जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, रियल क्रेडिट मीन्स उसे अब कितना मिलना है, तो उसे मिलना है 1380 जबकि उसे 1092 का अमाउंट वहां पर 1092 का अमाउंट वहां पर उसे अभी तक
मिलता आया है उसे ज़्यादा मिलना है, मतलब उसे हम देंगे, और जब हम किसी पार्टनर को देंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट बिटवीन 1380 एंड 1290 288 रुपीज़ हमें यहाँ पर मनु को देना है। क्यों देना है? क्योंकि मनु रियल में 1380 से मिलना है, लेकिन अभी तक उसे 1290 मिल रहा है। इट मीन्स उसे हम और देंगे क्योंकि रियलिटी के पास ले जाना है उसे। और अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो 440 रुपये हमारे पास सृष्टि को मिल रहा है, जबकि उसे मिलना है, जबकि उसे 728 रुपीज़ मिल रहा है। और ये अमाउंट 288 का डिफरेंस अमाउंट है, जो कि अगर आप देखेंगे तो डेबिट हो जाएगा, हम उसे कम करेंगे। और अगर इस फॉर्मेट में आप कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे आप एंट्री के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एंट्री आपके सामने है, डेबिट में हमारे पास सृष्टि है और क्रेडिट में हमारे पास मनु है। तो हमारे पास एंट्री जो बन रही है, मैं यहाँ पर आपको एंट्री बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर शॉर्टकट में एंट्री हम बना सकते हैं, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 288। तो ये एंट्री आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी देखिए सॉल्व हो गया है। इतना ही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 का कंसेप्ट ये है कि अगर दोनों ही अमाउंट हमारे पास मिसिंग है, दोनों के इंटरेस्ट मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस करना है, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस करना है। जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का हमें रियल क्रेडिट समझ लेना है, फिर जो दोनों अमाउंट है उनको प्लस कर लेना है, और जिस रेशियो में पार्टनर्स ने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस क्वेश्चन में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और फॉर्मेट में रख लेना है। जो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो उनका रॉन्गली क्रेडिट है, गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जबकि वो एज पर डील अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना था। और ये हमने आसानी से क्वेश्चन नंबर 38 भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम सॉल्व करें, उससे बेहतर है कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में डिस्कशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप देखेंगे, मैंने बुक से क्वेश्चन को यहाँ पर उसकी समरी लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से एक बार आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप देख रहे हैं, तो आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल रुपीज 440,000 एंड रुपीज 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नॉट बीन क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड नेसेसरी जनरेटरी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 अच्छे समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 40 करना आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के ग्लिम्सेस आपके सामने, आजाद और बनी हमारे पास पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल हमारे पास लिखी है 40,000 एंड रुपीज 80,000। इसके अलावा दोनों ही पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से यहाँ पे ओमिटेड कर दिया है, और जब पार्टनर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर ओमिटेड हो गया है, तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया जो भी ओमिटेड पार्ट है हमें उसे निकाल लेना है, वही हमारा रियल क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन में और इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी था, तो हमने वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ओमिशन हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद में हम उसे पार्टनर्स के जो रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, आजाद और बेनी, और दोनों ही पार्टनर का जो रेशियो है उसमें 1:1 हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल रेशियो लिखा हुआ है, मींस 1:2 के रेशियो में दोनों ही पार्टनर यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें निकाल लेना है क्वेश्चन नंबर 40 का, ये मैं आंसर नंबर 40 यहां पर बना रहा हूं। तो हमें आजाद और बेनी का सबसे पहले निकाल लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट जो है देख रहे हैं 5% है, तो अगर हम 40,000 का 5% और 80,000 का 5% निकालते हैं, तो 2,000 एंड 4,000 रुपीज हमारे पास में पार्टनर्स के इंटरेस्ट आ जाएंगे, और यही अमाउंट एक्चुअल में पार्टनर्स में ओमिटेड हो गए, पार्टनरशिप डीड में लिखे थे, गलती से हमने इसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं मेंटेन किया है, तो यही अमाउंट हमारे लिए है रियल क्रेडिटेड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस करते जैसे कि हमने ठीक पहले वाले क्वेश्चन में किया है, माइनस करने के बाद जो आता वो हमारे लिए
रियल क्रेडिट होता, लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट निकल के आ गया, ये वही अमाउंट है जो कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, होना चाहिए था, इसलिए रियल क्रेडिट है। अब करना क्या है, आपको दोनों अमाउंट को प्लस करना है और उनके एग्रीड पीएसआर में यहाँ पर हम बांट देंगे। तो 4+6 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 4+2 कर देंगे तो हमारे पास 6,000 आ जाएगा, और इस 6,000 रुपीज को 1/2 के रेशियो अगर आप बांटेंगे तो 3,000 ईच हमारे पास आजा और बेनी का ये जो अमाउंट आ गया, इसे हम कहते हैं रॉन्गली क्रेडिटेड है, क्योंकि पार्टनर्स को एग्रीड पीएसआर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ना था इंटरेस्ट, बल्कि उनके रेट से स्पेसिफाइड रेट जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5% है, 5% के हिसाब से बढ़ना था। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 5% से कब बढ़ता है, कब उनके पीएसआर में बढ़ता है। हमने यहाँ पर 1/2 में बांट दिया 3,000, ये रॉन्गली क्रेडिटेड है। फॉर्मेट बनाते हैं, एंट्री आपके सामने आ जाएगी, हमारे पास नेम का फॉर्मेट में है रियल क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारे पास पार्टनर्स के जो नेम हैं वो है आजाद और बेनी, दोनों का रियल क्रेडिट आप चेक करेंगे तो 2 and 4,000, और अगर आप रॉन्गली क्रेडिट चेक कर रहे हैं तो 3,000। पार्टनर आजाद को 2,000 सच में मिलना था, रियलिटी में उसे 2,000 मिलना था, गलती से 3,000 मिल गया है, मतलब उससे 1,000 हम ले लेंगे तो हमने कहा डेबिट कर देते हैं। और ठीक ऐसे अगर आप बेनी का चेक करेंगे तो 4,000 उसे मिलना था, लेकिन उसे एक्चुअल में 3,000 गलती से 3,000 मिल गया है, एक्चुअल में 4,000 मिलना था। इट मीन्स कि हम इसे 1,000 रुपीज़ देकर इसके अकाउंट को बढ़ाएंगे। और आपने देखा कि जैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में अमाउंट रखते हैं तो एंट्री आपके सामने है, यहाँ पर आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट, हमारे पास एंट्री अब बनती नजर आ रही है। और एंट्री एक बार हम जल्दी से मिला लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट हमारे पास में है 1,000 रुपीज ईच। तो देखा कितने फटाफट हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, वो हमारा रियल क्रेडिट है, दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस किया, उनके एग्रीड पीएसआर में बांटा, वो हमारा रॉन्गली क्रेडिट है, फॉर्मेट पर रखा, एंट्री आपके सामने, एडजस्टमेंट एंट्री आपके सामने बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व कर लिया है, इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 40 क्लीन कर देता हूँ और अब हम जल्दी से सॉल्व करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 मैं आपके साथ जल्दी से स्क्रीन पर शेयर कर लूं, और इस क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है, इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 39, On 31st March 17, the balance in the capital account of Elin, Monu and Ahmed after making adjustment for the profit, drawings etc. rupees 80, 60 and rupees 40,000 respectively. हमारे इस पूरे क्वेश्चन में यही एक पॉइंट जो हमारे लिए बहुत काम का है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड। तो इस क्वेश्चन में जो ओमिटेड हो गया है, जो हम हमेशा देखते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड हो गया है। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 में देखा कि दोनों अमाउंट ओमिटेड था, कैसे करना है ये तरीका अब आपको आ गया है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग द पार्टनर्स ड्रॉइंग रुपीज 20, 15 and 9,000 रिस्पेक्टिवली एंड देयर इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स 500, 360 and rupees 200 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट इन रुपीज 1,20,000। तो जल्दी से देखते हैं ग्लिम्सेस, और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 पार्टनर है, एलिन, मोनू और अहमद, तीनों ही पार्टनर की कैपिटल लिखी है 80, 60, 40। इसके अलावा ड्रॉइंग्स का अमाउंट हमारे पास 20, 15, 9,000 लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही अमाउंट यहां पर ओमिटेड हो गए हैं, पार्टनर्स ने गलती से उन्हें अपने रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया, छूट गया, भूल गए, गलती से वो ओमिटेड हो गए हैं।
और उस ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ऐसे केस में अगर आप क्वेश्चन गौर से देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लिखी है, और क्लोजिंग कैपिटल क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट हिंट आपको दिखेंगे। आप कैसे हिंट जान सकते हैं कि ये कैपिटल हमारे पास क्लोजिंग है? तो पहला हिंट ये है कि जो हमारे पास कैपिटल दी है वो क्लोजिंग डेट मीन 31 मार्च 2017 की दी है, तो क्लोजिंग कैपिटल दी है। और अगर आप इस तरीके से नहीं जान पाते कि क्लोजिंग कैपिटल, तो एक स्टेटमेंट जो अगर आप देख रहे हैं, फिर से देखिए मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लिखा हुआ है कि तीनों ही पार्टनर में आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा, मीन्स ये जो कैपिटल है ये कैपिटल इंटरेस्ट जो ड्रॉइंग्स है और जो प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद है, इट मीन्स ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने आपको स्टार्टिंग से अपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल में ये बताया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो क्लोजिंग मिलता तो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल में है, लेकिन पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में मिलता है तो पहले, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में मिलता है तो पहले हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ओपनिंग कैपिटल में ही मिलेगा। ऐसे केस में हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकालें, और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर्स की अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला तब, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स और हम माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट, तो हम अमाउंट निकाल सकेंगे यहां पर ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट। कितना इजी है, आपने देखा हम दोनों ही पार्टनर का निकाल सकते हैं। हमारे पास यहां पर जो पार्टनर है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर कौन कौन है। तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं तीन पार्टनर हैं, इलविन, मोनू एंड अहमद, और तीनों ही पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल अगर आप देख रहे हैं तो 80-60-40 लिखी हुई है, तो 60,000 and 40,000 ये हमारे पास तीनों ही पार्टनर की यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। मैंने आपसे कहा उसमें हमें ड्रॉइंग का अमाउंट प्लस कर देना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का। आपने 11th कॉमर्स के सिंगल एंट्री में इस फॉर्मूले को अच्छे से सीखा है। 20,15,9,000 रुपीज आपको यहाँ प्लस कर देना है, और जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं 1,20,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमें तीनों ही पार्टनर का जो भी PSR है हमारे पास में, जो कि 3:2:1 है, इस 3:2:1 के PSR में पार्टनर्स को डिवाइड कर देना है और उसे कैपिटल से माइनस कर देना है। तो अगर हम तीनों ही पार्टनर के नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास 60, 40 और 20,000 रुपीज के प्रॉफिट आ जाएंगे, 60, 40 and 20, और इसे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देना है। अगर हम माइनस कर देते हैं तो 40,39 और 29,000 हमारे पास बच जाएगा, 40,000, 35,000 and 29,000। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो ये फॉर्मूले से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है। और अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेम जैसे हमने ठीक पहले क्वेश्चन किया, दो ही चीज़ें ओमिटेड हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दोनों को निकालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस करिए, जो भी माइनस करने के बाद आएगा वो हमारा रियल ग्रेडेड है। यहाँ तक के बाद में दोनों अमाउंट को प्लस करिए, जो हमारे पास रियल ग्रेडेड का अमाउंट है, और रियल ग्रेडेड के अमाउंट को उनके PSR में बांट दीजिए, आपका रॉन्गली ग्रेडेड निकलेगा। फॉर्मूले पर रख के आंसर ले आना। चलिए करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमें इस अमाउंट का पार्टनर्स का, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है, तो हमें इसका 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, और वो हमारे पास आ जाएगा 2,017,501,450। तो ये हमने पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% के हिसाब से निकाल ली है। इसमें हमें पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस कर देना है, तो ये करते हैं, माइनस कर देते हैं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस कर देते हैं, और पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 500 रुपीज 360 and 200। इसे मैं पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस कर देना है। मैंने आपसे कहा जो भी अमाउंट आएगा ये हमारा अमाउंट रहेगा रियल क्रेडिट, ये हमारा रियल क्रेडिट का अमाउंट है, जो सच में रियलिटी में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था।
तो अगर हम इस अमाउंट को निकालते हैं तो हमारे पास में बच जाएगा 1500। इसके अलावा हमारे पास 1390 और अगर हम निकालते हैं थर्ड का तो 1250। ये हमारे पास पार्टनर्स के रियल क्रेडिट अमाउंट है जो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने थे। मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में आते हैं, टू साइड से अमाउंट माइनस होता। हमने दोनों को माइनस एडजस्टमेंट करने के बाद ये निकाल लिया रियल क्रेडिट। अब आपको तीनों को प्लस करना है, उनके एग्रीड पीएसआर में बांट देना है, तो आप निकाल लेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट। तो पहले हमें इन तीनों अमाउंट को प्लस करना है और अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में 4140 का अमाउंट आ जाता है और इस 4140 के अमाउंट को हमें 3, 2 और 1 में बांट देना है और जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा रॉन्गली क्रेडिट अमाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा 2070 एलएन का अगर हम मोनो का निकालते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों लाइट चली गई है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग, लाइट गोल हो गई है, लाइट चली गई है और लाइट जाने के बाद लाइट कब आएगी हम उसका वेट करेंगे तो शायद लेट हो सकता है। तो जल्दी से थोड़ा सा बच्चा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपके पास यहाँ पर था कि हमारे पास जो तीनों ही पार्टनर का रियल क्रेडिट है उसको हमें प्लस कर लेना है और प्लस करने के बाद उस अमाउंट को हमें पार्टनर्स के 3:1 जो उनका एग्रीड रेशो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास में 2070, 1380 और 690 का ये अमाउंट आ जाएगा और इसे हम कहते हैं रॉन्गली क्रेडिटेड। मैं शॉर्टकट में W से लिखता हूँ, आप लोग को प्रीवियस मैंने बता चुका है। तो ये रॉन्गली क्रेडिट का अमाउंट है। अब आपको जल्दी से इस अमाउंट को फॉर्मेट में लिख लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप अंधेरे में भी पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी से करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। नेम रियल क्रेडिट, रॉन्गली क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमने यहाँ पर लिख लेना है। रियल क्रेडिट का अमाउंट ऑलरेडी मैंने लिख रखा है जो कि 1500, 1390 और 2150 है। साथ में हमारे पास पार्टनर्स के रॉन्गली क्रेडिट के अमाउंट है 2070, इसके अलावा 1380 और 690 का अमाउंट अगर आप लिख लेते हैं तो पार्टनर्स का हम रॉन्गली क्रेडिट का अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एलिन है उसे 1500 रुपीज सच में मिलना था लेकिन गलती से उसे 2070 मिल गया, मतलब कि उसे ज़्यादा अमाउंट मिल गया है और इस ज़्यादा अमाउंट का जो अमाउंट है वो हमारे पास में 570 रुपीज़ है तो उससे हम वापस ले लेंगे, मतलब कि उसे हम डेबिट कर देंगे। मैंने आपको बताया जब लेते हैं पार्टनर्स की कैपिटल को कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। यहाँ पर मोनू को 1390 मिलना था, 1390 रुपीस मिलना था लेकिन उसे 1380 मिला है, मतलब 10 रुपए कम मिला है, 10 रुपीस देने के लिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। और ठीक ऐसे ही आप निकालेंगे अहमद का तो उसे 1250 मिलना था लेकिन उसे मात्र 690 मिल पाया गलती से। अमाउंट सही करने के लिए हम इसे 560 रुपीस और प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उसे अकाउंट का सही क्रेडिट कर सकें। मैंने आपसे बताया है जैसे ही आप फॉर्मेट में अमाउंट पुट करते हैं सही तरीके से तो आप ऑटोमेटिक एंट्री के नज़दीक पहुंच जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एलएन यहां पर डेबिट हो रहा है जबकि दोनों ही पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं। अब रह गया तो मात्र एंट्री बना देते हैं तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी एलएन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल अकाउंट टू अहमद कैपिटल अकाउंट और ये अमाउंट हमारे पास में है 570, 10 एंड 560। मैंने आपसे कहा था डबल एंटी सिस्टम फॉलो करते हैं, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, 570 डेबिट में और इन दोनों का टोटल भी 570 हो रहा है तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे अभी 39 और देखा आपने चार क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। इसको अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपसे चारों ही क्वेश्चन नहीं बल्कि और बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आप लोग इस एडवर्स कंडीशन में भी मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।